हेलो दोस्तों दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं शब्द विचार के बारे में। तो आपने भी ये वर्ड सुना होगा, शब्द विचार क्या होता है। अगर जानना चाहते हो, क्योंकि हिंदी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप शब्दों का यूज करते हैं तो ये इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन से शब्द सार्थक शब्द बोलते हैं, किसको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं, रचना के आधार पर कैसे शब्द बने, और भी काफ़ी सारी बातें आज डिस्कस करूंगा दोस्तों शब्द विचार में। दोस्तों तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं, भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। तो दोस्तों शब्दों से क्या मिलता बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है, और वाक्य से क्या बनती है, हमारी भाषा बनती है। मतलब अगर आप कुछ भी बोलोगे मार्केट में, किसी को भी कुछ समझाओगे, तो सबसे पहले उसके लिए आप शब्दों का यूज करोगे। कौन से शब्द यूज करने चाहिए, शब्दों का यूज करके आप वाक्य बनाओगे, और आप उसे जो भी बोलोगे वो एक भाषा का रूप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए शब्द, फिर चाहिए वाक्य, और बाद में भाषा। तो इन तीनों का ही विचार है दोस्तों शब्द विचार। तो इसमें होता है दोस्तों, वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह है जो कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। तो शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोस्तों। तो पहला पॉइंट है सार्थक शब्द। तो इसमें ऐसे शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मंदिर, पुस्तक। तो इन वर्ड का जो शब्द है, इनका कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता और जो प्रयोग विशेष के लिए बोलचाल की भाषा में करते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द बोलते हैं, जैसे फटाफट, चटाचट, धर धर। ये सभी दोस्तों निरर्थक शब्द हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से जो हमारे शब्द हैं उन्हें हम चार प्रकार से बांटते हैं। किसकी दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से। तो इसमें पहला आता है तत्सम शब्द, दूसरा आता है तद्भव शब्द, तीसरा आता है देशज शब्द, और चौथा आता है अविदेशज शब्द दोस्तों। तो यह है दोस्तों किसकी सहायता से, उत्पत्ति की दृष्टि से चार भागों में बांटा है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द के रूप में दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तत्सम शब्द के बारे में। तो सबसे पहले है दोस्तों तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों यूज किए गए हैं और ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि म्यूर, नयन, अमूल्य और वानर। ये सभी दोस्तों संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में लिए गए हैं, ज्यों के त्यों लिए गए हैं, और इनकी ध्वनि है उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इनको बोलते हैं तत्सम शब्द दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, म्यूर, नयन, अमूल्य और वानर, ये इसके चार एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पर समझने की दृष्टि से दोस्तों मैंने चार एग्जाम्पल यूज किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तद्भव शब्दों के बारे में। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द बोलते हैं, जैसे कि आग, मोर, बंदर, चांद। तो जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, एक शब्द सुना होगा अग्नि, अग्नि आपने सुना होगा, जिससे कि शब्द बना है आग। तो अग्नि को हमने परिवर्तित करके एक शब्द बना दिया आग, तो ये कौन सा शब्द हो गया दोस्तों, तद्भव शब्द, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से कुछ चेंज करके हमने बनाया दोस्तों आग शब्द। तो अगर तत्सम जो शब्द है उनमें जो स्थिति के कारण जो परिवर्तन करके जो शब्द बनते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों देशज शब्दों के बारे में। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषा से हुई है देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि धुआं, थोता, लोटा। ये एग्जाम्पल के लिए तीन वर्ड यूज किए मैंने दोस्तों, धुआं, थोता और लोटा, जिनकी हमारी जो देश की भाषा है उनसे उत्पत्ति हुई है, तो इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विदेशज शब्दों के बारे में। तो दोस्तों दूसरी भाषा से आए हुए शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे कि अलमीरा और आलपिन। ये दोस्तों विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं, तो इन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं दोस्तों। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द निम्नलिखित है, जैसे कि तत्सम की हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे तत्सम है
अगम, तो दोस्तों इसे तद्भव में हम परिवर्तित करेंगे अगम में, जैसे तत्सम शब्द है अमोल, तो तद्भव में हम परिवर्तित करेंगे दोस्तों अमूल्य, तत्सम शब्द है आग, तो तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों अग्नि, जैसे कि तत्सम शब्द है आम, तो तद्भव शब्द हो जाएगा आम्र, जैसे नाक है तो इसका नसिका हो जाएगा, ब्याह है तो इसका विवाह हो जाएगा, भाप है तो इसका वाष्प हो जाएगा, भाई है तो इसका भ्राता हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तित होते हैं दोस्तों तत्सम से तद्भव शब्दों में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रचना के आधार पर, तो दोस्तों उन शब्दों की उत्पत्ति हुई थी उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज चार कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, उसी प्रकार से दोस्तों रचना के आधार पर हम शब्दों को तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द दोस्तों। तो एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रूढ़ शब्दों के बारे में, तो जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द बोलते हैं, जैसे कि लोटा, कल और जल, जिनका परंपरा विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे कि विद्यालय की हम बात करते हैं विद्या और आलय, यानी जहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का जो आलय है, जो घर है, उसे हम विद्यालय बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं दया सागर, दया और सागर इनके दो सार्थक खंड बन रहे हैं, तो इसे हम यौगिक शब्द बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों योग रूढ़ की बात करें दोस्तों, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज शब्द पंक और जय के मेल से बना है, जिसका एक विशेष अर्थ है कमल, तो पंकज का अर्थ क्या हो गया दोस्तों कमल हो गया, जो कि पंक और जय से बना है दोस्तों, तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज जाना दोस्तों हमने उत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों को कैसे विभाजित किया गया दोस्तों, और सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो ये था दोस्तों शब्द विचार का एक विशेष वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।